सोनी ब्रांड की तरफ से अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं सोनी WI-C100 वायरलेस ईयरफोन्स। इनका प्राइसिंग है अप्रॉक्सिमेटली 1700 रुपीज, ये इनका लॉन्च प्राइस है। हो सकता है थोड़े दिनों में प्राइसिंग थोड़े बहुत बढ़ भी जाए, और अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का तो इस वीडियो में आपको एक एक प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी, कैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी है, म्यूजिक एक्सपीरियंस, बेस एक्सपीरियंस, कॉलिंग टेस्ट करेंगे, गेमिंग टेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिलने वाला है, इसमें आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले अलग अलग, कैसे वर्क करते हैं एक एक डिटेलिंग चेक करने के बाद, ताकि आप वीडियो के एंड तक पहुंचते डिसाइड कर पाए कि ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। So let's get started. So यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे छोटा सा कॉम्पैक्ट सा आपको बिल्कुल सोनी WI-C100 वायरलेस ईयरफोन्स का बॉक्स मिल जाएगा। बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा कुछ पेपर वर्क, वारंटी कार्ड, साथ ही में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, यहाँ पे आपको बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल टैंगल फ्री आपको यहाँ पे वायरलेस ईयरफोन्स मिलने वाले हैं, एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर पतली सी वायर्स यूज की गई है, फ्लैट केबल यहाँ पे यूज की गई है ताकि इसमें आपको कुछ उलझने के चांसेस ना हो, अच्छी क्वालिटी यहाँ पे केबल मिल जाएगी आपको। एंड इस साइड पे आपको सोनी की ब्रांडिंग मिलने वाली है, कोई ऐसे बटन प्रोवाइड नहीं किया गया, ये राइट साइड यहाँ पे मेंशन किया गया साफ साफ, एंड प्लास्टिक क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 3 मल्टीफंक्शन बटन्स, प्लस माइनस का और बीच पे आपको मेन मल्टीफंक्शन बटन मिल जाएगा। एक्जैक्टली कैसे वर्क करता है हम आगे डिस्कस करेंगे। बैटरी इंडिकेटर लाइट भी यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएगी। एंड अगर हम साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट टू चार्ज योर ईयरफोन्स, एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर इसका कवर भी मिल जाएगा। एंड नीचे साइड हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है पतली सी वायर्स ईयरफोन्स की, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बड्स। बड्स आपको बिल्कुल यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश के मिलने वाले हैं, सोनी ब्रांडिंग दोनों में ही लगी हुई है। इसमें मैग्नेटिक लॉक्स देते ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे कोई मैग्नेटिक लॉक्स नहीं मिलने वाले हैं, बेसिक्स यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर छोटे से ईयरफोन्स मिल जाएंगे। एंड अगर हम बात करेंगे इसे सिक्योर फिट की, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लेस करेंगे नेक पे, बहुत ही लाइट वेट ईयरफोन से, प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे अपने कानों के हिसाब से, जो आपका साइज है कानों का, बिल्कुल सिक्योर फिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे आपको कुछ फील नहीं होगा अपने नेक पे लगा के कुछ रखा हुआ है, बाहर की मैक्सिमम नॉइज भी कैंसिल कर रहे हैं ईयरफोन्स लगाते से ही। एंड अगर आप वर्कआउट्स भी करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं वर्कआउट्स, तो गिरने के चांसेस नहीं है, सिक्योर आपको फिट भी मिल जाएगा ईयरफोन्स के थ्रू। और इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं बिल्कुल टैंगल फ्री ईयरफोन्स है, आराम से इसको आप पॉकेट में कहीं भी कैरी करेंगे, वायर बिल्कुल उलझती नहीं है, ये इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। एंड साथ ही जो बीच में मल्टीफंक्शन बटन दिया गया है, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स के लिए, जो आपके जो ईयरफोन से पावर ऑन हो जाएंगे, और उसमें आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप बिल्कुल कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड इसमें आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा, सोनी हेडफोन्स एप्लीकेशन को आप सिंपली इंस्टॉल करके सिंपल स्टेप्स आप पेयरिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे फ्रंट पेज में आपको यहाँ पे प्ले पॉज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं से आप डायरेक्टली ट्रैक्स भी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने फोन की इस एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू ही। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको स्वाइप करके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मल्टीपल इक्वलाइजर मोड्स, आपको कैसा आउटपुट चाहिए, आपको बेस बूस्टेड मोड में सुनना है, आपको ट्रेबल्स ज्यादा चाहिए, यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं सेटिंग्स पार्ट पे जाके, सिंपली आपको जो वोकल से क्लैरिटी आपको ज्यादा चाहिए, आपको बेस ज्यादा चाहिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कस्टमाइजेशन मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन पार्ट से कर सकते हैं। एंड साथ ही में यहाँ पे आपको नीचे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक यहाँ पे आपको मिलने वाला है एनालाइज करने का ऑप्शन, आपकी जो ईयर की फ्रीक्वेंसी है इधर से आप एनालाइज करके प्रॉपर तरीके से आउटपुट ले पाएंगे, 360 रियलिटी ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाएगा यहीं पे ही आपको। एंड साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको प्रायोरिटी चीज साउंड क्वालिटी को लेकर या स्टेबल कनेक्शन को लेकर अपने हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसमें आपको DSE जो ऑप्शन दिया गया है उसको भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं कोडेक को। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इसमें आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.0, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 9mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, एप्लीकेशन का सपोर्ट, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड इसमें आपको अप्रॉक्सिमेटली 25 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन सिंगल चार्ज, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, 10 मिनट्स के चार्जिंग में आपको अप्रॉक्सिमेटली 1 आवर का प्ले टाइम मिल सकता है विद दिस वायरलेस ईयरफोन्स। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली टैंगल फ्री आप बोल सकते हैं वायरलेस ईयरफोन्स मिलने वाले हैं, कहीं पे भी आराम से कैरी करना चाहे तो लपेट के आराम से कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड इसमें आपको मिलने वाले स्पेसिफिकेशंस अच्छे मैनेजेबल, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं दिए गए लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर मैनेजेबल फीचर्स मिल जाएंगे प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और इसके जो बटन कंट्रोल्स दिए गए कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं एक ओवरव्यू ले लीजिए। जो बीच में बटन है अगर आप उसको सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, उसी को सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक पॉज होगा, माइनस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्लस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, प्लस को अगर आप 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, माइनस को 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा। एंड जो बीच में बटन दिया गया अगर आप उसको डबल प्रेस करेंगे, 2 बार प्रेस करेंगे तो वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, उससे आप कमांड्स दे सकते हैं। एंड किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से बीच वाले बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड इनकमिंग कॉल को आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है तो बीच वाले बटन को अगर आप 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका BGMI गेम टेस्ट, हालांकि इसमें आपको ऐसा कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलने वाला है, फिर हम डिसाइड करेंगे इससे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है।
यार इसमें आपको गेमिंग मिलने वाली है डिसेंट, आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लैग देखने को मिल सकता है, हल्की फुल्की आपको लगेगा हाँ आपको लेटेंसी मिल रही है गेमिंग के टाइम पे, हैवी गेम्स अगर आप खेलते हैं तो। नॉर्मल गेम्स खेलते हैं उसके लिए इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन हाँ जो इनऑडी एक्सपीरियंस है आपको लेफ्ट का सेपरेशन आपको सही पता चल जाएगा एनिमीज कहाँ से आ रही है, फुटस्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत माइन्यूट से लैग देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे मेन, देयर इज अ साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। भाई वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर नहीं किया है तो, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए लगे हाथ, थैंक यू। इसमें आपको 9 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं यार, लाउडनेस मेरे को लगा कि थोड़ी बहुत और दे सकते थे, आपको एडिकेट अच्छी लाउडनेस मिल जाएगी लेकिन फुल वॉल्यूम पे आप डेफिनेटली सुन पाएंगे। अगर आपको ओवरऑल बैलेंस एक्सपीरियंस चाहिए म्यूजिक का और जो ट्रेबल्स हैं प्रॉपर आपको चाहिए बिल्कुल भरे भरे, एंड बेस इसमें आपको पंची मिलने वाला है, बहुत सराउंडिंग बेस नहीं है, और जो अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स दिए गए हैं उसको आप सेट कर सकते हैं, आपको वोकल की क्लैरिटी ज्यादा चाहिए, इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन ज्यादा चाहिए, आपको बेस बूस्टेड मोड चाहिए, कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन लाउडनेस थोड़ी बहुत मेरे को लगा कि हाँ 9 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स के हिसाब से थोड़ी बहुत आप लाउडनेस अगर 10 या 12 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देते ज्यादा बेटर रहता। इसमें आपको एडिकेट लाउडनेस मिलेगी, बहुत ज्यादा लाउडनेस नहीं मिलने वाली अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। और इसमें आपको मिलने वाला है बेस, जैसे कि मैंने आपको बताया पंचीनेस मिल जाएगी बेस पार्ट को लेकर, लेकिन आपको अच्छे बिल्कुल आपको रिच एक्सपीरियंस मिल जाएगा म्यूजिक और बेस पार्ट को लेकर जितनी भी आपको लाउडनेस दी गई है। बात करेंगे कॉलिंग की, मैंने हमेशा की तरह बात की थी आउटडोर कंडीशन में अपने फ्रेंड से, और रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आपको अंदाजा लग जाएगा इससे आपको कॉल एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है। हेलो सिद्धांत, कैसे हो यार? मैं बढ़िया भैया। बढ़िया यार, अभी ना सोनी ब्रांड की तरफ से सोनी WI-C100 वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च हुए हैं, मैं अभी आउटडोर कंडीशन में हूँ, उनसे लगा के आपसे बातचीत कर रहा हूँ डायरेक्टली। आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है? आपकी आवाज बढ़िया, लाउड एंड क्लियर आ रही है। लाउड एंड क्लियर आ रही है, यहाँ पे काफी तेज मतलब आपको विंड की नॉइज यहाँ पर बैकग्राउंड में एक्टिविटीज हो रही है पता चल रही है? हाँ थोड़ी बहुत विंड नॉइज भी आ रही है और जो बैकग्राउंड नॉइज है वो भी क्लियर सुनाई दे रही है। अच्छा मतलब मेरी आवाज पे लेकिन फोकस आप बोल सकते हैं जब मैं बात कर रहा हूँ? हाँ आप जब बोल रहे हो तो 80-90% फोकस्ड, पर नॉइज अच्छा मेरी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। अच्छा बैकग्राउंड नॉइज आपको पता चल रही है क्या हो रही है? हाँ नॉइज भी सुनाई दे रही है। अच्छा मतलब क्लैरिटी के बाद मेरी आवाज के वोकल्स के मामले में बोलेंगे मेरी आवाज कैसी है? आपकी 80-90% फोकस्ड है। ओके ओके सिद्धांत, थैंक यू। ओके कॉलिंग इसमें आपको अच्छी मिल जाएगी, बढ़िया मिल जाएगी, सामने वाला फोकस भी बिल्कुल क्लियर और लाउड तरीके से मुझे सुन पा रहा था, इंटर कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर आउटडोर कंडीशन में है जब आप बात करेंगे आपका वो सामने वाला फोकस ही सुन पाएगा आप क्या एक्जैक्टली बात कर रहे हैं, लेकिन उसको जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज है उसको वो भी पता चलेंगे कि हाँ भाई बैकग्राउंड में जो हो रहा है वो भी उसको पता चलेगा। कैंसिलेशन बोलते हैं ना नॉइस कैंसिलेशन फीचर बैकग्राउंड का, इसमें हल्का फुल्का आपको लग सकता है कि हाँ और थोड़ा देना चाहिए था, लेकिन जब आप बात करेंगे सामने वाला फोकस से आपको सुन पाएगा, कॉलिंग इसमें आपको अच्छी मिल जाएगी लेकिन बैकग्राउंड एक्टिविटीज भी कवर कर लेता है काफी हद तक। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी कॉल क्वालिटी को आउट ऑफ 10। सो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 8 आउट ऑफ 10। दीस आर रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरफोन्स अप्रॉक्सिमेटली 1700 rupees। सो भाई मेन अगर आपको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए, एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए, आपको अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स चाहिए, बिल्कुल आपको कॉम्पैक्ट आप बोल सकते हैं, टैंगल फ्री आपको बिल्कुल छोटा सा कहीं भी कैरी करने वाला वायरलेस ईयरफोन चाहिए, सोनी ब्रांड की तरफ जाना है, आउटपुट से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, गेमिंग में आपको हल्की फुल्की लग सकता है कि लेटेंसी हल्की फुल्की मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसके आउटपुट के हिसाब से जस्टिफाई करता है, हल्की फुल्की लाउडनेस थोड़ी बहुत और देते तो थोड़ा बहुत बेटर रहता मेरे हिसाब से। मैंने आपको सब बता दिया इसके प्रोज एंड कॉन्स, आप पे डिसीजन मैटर करता है इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं, मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाकर आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं। अभी भी आपको कुछ दिक्कत है कुछ पूछना हो आपको कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज रेटिंग्स कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च सोनी WI-C100 वायरलेस ईयरफोन्स। Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one, and see you in the next video. Thank you.